दोस्तों, बच्चों के लिए जो आर्मी की भर्ती देखते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज आ गई है। एक और नई भर्ती आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, नई भर्ती आ गई है इंडियन आर्मी की सभी राज्यों के लिए। चलो आपको दिखाते हैं, आपको सीधा नोटिफिकेशन ही दिखाते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधा नोटिफिकेशन दिखाते हैं, आपको समझाते हैं नोटिफिकेशन पर कि भर्ती कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कौन कौन जा सकता है। चलो नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, आप सबकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। दोस्तों देखिए जहां पर लिखा हुआ है ओपन कैटेगरी, अब ओपन में कौन कौन जा सकता है आपको बताया जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती है। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बता देता हूं। काफ़ी लड़के बोलते हैं कि हमें एज लिमिट में छूट मिल गई है, वो मिल गया है, वो मिल गया है, तो आपको अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जे है सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल की ये भर्ती होने वाली है। इसमें ना ही ट्रेडमैन और ना ही क्लर्क की आपको पोस्ट मिलेगी, जीडी और टेक्निकल की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। जीडी के लिए 17.5 से 21 वर्ष, 1 अक्टूबर 2000 आपकी एज होनी चाहिए इस भर्ती के लिए, देखिए। और लास्ट जो डेट है वो 1 अप्रैल 2004 देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल के लिए भी वही है जो मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, 17.5 से 23 वर्ष, 1 अक्टूबर 1998, 1 अप्रैल 2004 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। एज लिमिट सबको पता चली गई, ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। आपको मैं बता दूँ आपकी जो भर्ती होगी दोस्तों, सबसे पहले ओपन कैटेगरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले बता दूँ ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों सोल्जर जीडी की भर्ती होगी, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, जो स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है। सोल्जर जीडी की भर्ती देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ जहाँ पर आपका हर एक सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, नेशनल का हो, स्टेट का हो दोस्तों, आपका यूनिवर्सिटी का हो या बोर्ड का हो, ठीक है, कॉलेज का हो या स्कूल का हो, ठीक है, ऑल इंडिया, ऑल कास्ट, ऑल क्लास, ठीक है, मतलब कि ऑल इंडिया से आप किसी भी राज्य, कोई भी आपका स्टेट है, कोई भी यूनियन टेरिटरी है, अगर आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस भर्ती में जा सकते हो। मगर आपका सरकारी होना चाहिए, जे नहीं कि फालतू में पैसे दे के बना लिया, वो नहीं होना चाहिए। कॉलेज, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल का होना ही चाहिए आपके पास, तभी आपके लिए ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है। आपका दोस्तों स्क्रीनिंग होगा 17 फरवरी 2022 को, उसके बाद दोस्तों आपकी भर्ती सोल्जर जीडी और टेक्निकल की होगी, ऑल इंडिया और ऑल क्लास, ठीक है। और जिनका ठीक है, जिनका सेंटर, जिनका रिलेशन MEG का है, ठीक है, MEG सेंटर का अगर आपके पास दोस्तों रिलेशन है, तो अगर आपका कोई भी राज्य है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रिलेशन किसी भी सेंटर का है, अगर आपका राज्य जैसे कि जहां पर तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, गोवा है, पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप वगैरह है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, अगर आपका इसमें राज्य है, ठीक है, इसमें राज्य है, तो आपके पास कोई भी, ठीक है, रिलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऑल इंडिया, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक और नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ, एक और नोटिफिकेशन है इस भर्ती का। अगर आप ये सभी नोटिफिकेशन लेना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम पे ये सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ के और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जो स्पोर्ट्स पर्सन लड़के हैं वो जरूर शेयर करें। देखिए यहाँ पर सेंटर का नाम भी बताया हुआ है, ये जो सेंटर है दोस्तों MEG, ठीक है, जो बेंगलुरु में है, आपकी 23 फरवरी 2022 से भर्ती शुरू होगी स्पोर्ट्स पर्सन वालों का। पहले होगा दोस्तों 17 को दोस्तों स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं और आपका ट्रायल वगैरह भी हो सकता है 17 को। स्पोर्ट्स वाले ने सभी ऑल इंडिया से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो 17 फरवरी को जाएंगे, और जो रिलेशन वाले हैं वो 23 फरवरी को जाएंगे, ठीक है। आपको फिर से मैं बता दूं, सेंटर का नाम MEG सेंटर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। ये आपका सेंटर का रिलेशन का भर्ती है, बड़ी अच्छी न्यूज है, रिलेशन के भी काफ़ी दिन से भर्तियां नहीं आ रही थी। ये सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है।